कहाँ कब हुआ था। जैसे यहाँ पर फ्रेडरिक रैटजल एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, सभी लोग जानते हैं जर्मनी के। इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में कार्लसू नगर प्रसिया। प्रसिया जर्मनी का पहले एक बहुत बड़ा पार्ट होता था, मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग था प्रसिया, तो जर्मनी को पहले प्रसिया भी कहते थे। तो प्रसिया के कार्लसू नगर में इनका जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में, और इन्होंने 1869 ईस्वी में सर्वप्रथम डार्विन के विकासवादी ग्रंथ की समालोचना प्रस्तुत की। तब से जीवन पर्यंत उन्होंने जीव विज्ञान, भूविज्ञान, भौतिक विज्ञान, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल पर अनेक ग्रंथ लिखे। देखिए, जरूरी नहीं कि आप उनका जन्म जो है, जो डेट है या सन है लिखे ही। अगर आपको ये डेट ये सन नहीं याद है तो आप इसको कोट भी कर सकते हैं, इसको ना लिखिए, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन याद है तो ज़रूर लिखिए। फिर ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है, रैटजल पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में मानते थे, जिसे लेब्रेंस रॉम कहा जाता था। अब ये भी एक बार पूछा गया कि लेब्रेंस रॉम क्या है, दो नंबर में। तो आपको बस इतना ही लिख देना, थोड़ा बहुत आप चाहें तो रैटजल के बारे में वहाँ पर लिख सकते हैं कि रैटजल पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में मानते थे और इसे ही लेबेंस रॉम कहा जाता है। फिर रैटजल के बारे में थोड़ा सा वहाँ लिख दीजिए, 85 शब्दों में लिखना रहता है, आपका आराम से हो जाएगा। अब इनके योगदान के बारे में कुछ लिखना है, और इनके कुछ यहाँ पर सिद्धांत हैं, हम जिनकी बात करते हैं संकल्पना, तो वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ज़रूर पढ़ना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले योगदान में हम क्या लिखेंगे, इनको मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, तो मानव भूगोल के जनक के रूप में इनका क्या योगदान है, पहले ये हम लोग बताएंगे। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रैटजल, अब इनका जन्म 1844 में, मृत्यु 1919। तो ये हम्बोल्ट और रिटर के पश्चात आधुनिक युग के तीसरे प्रमुख भूगोलवेत्ता थे। मतलब अगर हम हम्बोल्ट और रिटर को हटा दें तो उसके बाद इन्हीं का स्थान आता है। रैटजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भौगोलिक अध्ययन में मानव को स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कराने का अग्रणीय कार्य किया। इन्होंने मानव भूगोल पर बल दिया। देखिए, मानव भूगोल को एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित किया, इसलिए रैटजल को मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब कितना आसान है, आराम से आप देख सकते हैं, पहला योगदान इनका यही है। दूसरा है, इन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, और यात्रा के दौरान इन्होंने बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए, और उसी आधार पर इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। मतलब ये व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे, व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल, मतलब कहते थे हम भूगोल में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बजाय सीधे देखना पसंद करें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी, जीव जंतु, वहाँ की मिट्टी कैसी। तो रैटजल ने भूगोल का अध्ययन और विकास अपनी यात्राओं के द्वारा किया, जिस प्रकार हम्बोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ स्वयं संपर्क में आकर उसका वर्णन किया, उसी प्रकार रैटजल ने भी अपनी यात्राओं द्वारा यथार्थ बातों से सीधा संपर्क स्थापित करके उसका अध्ययन एवं वर्णन किया। हम्बोल्ट भी काफ़ी ज़्यादा यात्रा करते थे, और ठीक उसी प्रकार रैटजल भी थे, ये भी जाते थे किसी क्षेत्र में, वहाँ की मिट्टी को लाते थे, वहाँ के वनस्पतियों को देखते थे, चट्टानों को देखते थे, मतलब एक प्रकार से सर्वेक्षण करते थे सही से उसका। तो रैटजल यात्री के रूप में इनका ये योगदान रहा। अब योगदान में ही आपको एक अलग से हेडिंग डाल देनी है कि रैटजल की कुछ संकल्पनाएं, या रैटजल की संकल्पना, इन्होंने कुछ अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, रैटजल विश्व के प्रथम पूर्ण मानव भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के रूप में संस्थापित किया और अपने नवीन विचारों से उसे पोषित किया। रैटजल की विचारधारा के प्रमुख पक्ष निम्नांकित हैं, यहाँ पर इनके कुछ हम सिद्धांतों की, हम कहें संकल्पनाएँ या विचारधारा कह लीजिए, इसकी बात करेंगे। तो आपको पता है कि रैटजल नियतवादी विचारधारा के एक प्रकार से प्रतिपादक हैं, संस्थापक हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम यही डालेंगे, नियतवादी विचारधारा। ये अलग से भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा भी दिया है अलग से। रैटजल ने मानव, सॉरी मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका,
रेटिजल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने अपने मानव भूगोल के प्रथम खंड में डार्विन के विकासवाद की पुष्टि की थी और यह मत व्यक्त किया था कि भौगोलिक पर्यावरण के अनुसार ही मानव समाजों के इतिहास का निर्माण होता है। इसलिए रेटिजल को नियतवादी का प्रतिपादक माना जाता है। रेटिजल ने मानव भूगोल के अंतर्गत मानव जीवन की व्याख्या पर्यावरण के संदर्भ में प्रस्तुत की और विभिन्न प्रादेशिक उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मानव के रहन सहन, उसकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक क्रियाएं तथा संस्कृति आदि पर्यावरण के अनुसार ही निर्धारित होती हैं। कहने का मतलब इन्होंने ये कहा कि मानव पर उसके प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। अब मानव की चाहे आदत हो, उसका रहन सहन हो, पहनावा, रोटी कपड़ा मकान हो, उसकी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक क्रियाएं हैं, इन सब पर किसका प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। ये बात इन्होंने कही थी। तो पहली विचारधारा इनकी यही थी, नियतिवाद विचारधारा। फिर दूसरी विचारधारा इनकी है पार्थिव एकता का सिद्धांत। अब इसको पहले आप हेडिंग से ही समझ लीजिए। पार्थिव मतलब एक प्रकार से जो कुछ पृथ्वी से संबंधित है। पार्थिव का मतलब क्या होता है? पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंधित, और एकता का मतलब एक। तो पृथ्वी से जो चीज़ें भी संबंधित हैं वो सब कहीं ना कहीं एक हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व एक दूसरे से जुड़े हैं, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। पार्थिव एकता, या फिर इसको कहीं कहीं अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिए, दोनों एक ही हैं। इसमें रेटिजल की पूरा आस्था थी, मतलब पूरा विश्वास था पार्थिव एकता में। उन्होंने मानव भूगोल के विवेचन में पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही प्रमुखता प्रदान की थी। वे संपूर्ण विश्व को, अब ये लाइन देखिए, पढ़िए ध्यान से पढ़िएगा, वे संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्व के रूप में नहीं बल्कि समष्टि के रूप में देखते थे। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? अलग अलग। कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, फिर दूसरा कहता है ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, तो यानी कि आपकी व्यक्तिगत अलग अलग गाड़ी है, तो ये कहते हैं व्यक्तिगत नहीं है, ये कहते हैं समष्टि, यानी तत्व। समष्टि मतलब संपूर्ण, एक दूसरे में मिले हुए हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि भाई संपूर्ण विश्व को उसके व्यक्तिगत तत्वों के रूप में नहीं मानते थे कि संपूर्ण विश्व के तत्व अलग अलग हैं, ये कहते थे सभी तत्वों की समष्टि, यानी सभी तत्व अंतर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व, अब देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व आपस में या परस्पर संबंधित हैं, यानी जुड़े हुए हैं, और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने किसी इमारत का निर्माण किया तो वो एक स्वरूप है, उसी को कहते हैं भूदृश्य। ओके, मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है। तो भूदृश्य का मतलब होता है पृथ्वी पर मानव के द्वारा कुछ बनाए गए, आप स्थल कह सकते हैं, इमारत कह सकते हैं, पुल, नदी कह सकते हैं, मतलब जो कुछ भी मानव बनाता है तो वो सांस्कृतिक भूदृश्य है। तो ये कहते हैं कि ये जो सांस्कृतिक भूदृश्य होते हैं ये सभी तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करते हैं, मतलब इसमें कई प्रकार के तत्व मिले। तो भाई एक इमारत बनाते हैं तो उसमें जल भी लगता है और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, आप देखते हैं मोरंग और ईंट और फिर बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अतः किसी भूदृश्य या प्रदेश के भौगोलिक अध्ययन के लिए विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों, उनकी आत्मनिर्भरताओं का विश्लेषण आवश्यक है। तो बेसिकली ये जान लीजिए कि पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है इसका मतलब यही है कि पृथ्वी के सभी तत्व अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर यहाँ है इनका जो तीसरा विचार है या संकल्पना है, वो है सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना। देखिए वही चीज़ आ गई जो मैं अभी बता रहा था, सांस्कृतिक भूदृश्य। रेटिजल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य की संकल्पना को स्पष्ट करके वैचारिक आधार प्रदान किया। वे सांस्कृतिक भूदृश्य को ऐतिहासिक भूदृश्य कहते थे। उनके अनुसार यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सांस्कृतिक भूदृश्य क्षेत्र विशेष में मानव बसाव के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का फल है। मानव विकास, अब मानव बसाव का कैसे होगा?
मानव बसाव कैसे करेगा, जब वो घर बनाएगा अपने लिए, निवास स्थान बनाएगा, तो वही चीज़ है सांस्कृतिक भूदृश्य का मतलब होता है, जो कुछ मानव पृथ्वी पर अपनी आवश्यकता अनुसार निर्माण करता है, चाहे वो कोई इमारत हो, बिजली का खंभा हो, या जितनी भी चीज़ें हैं आप सोच सकते हैं, वो सब हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। अंतिम सिद्धांत यहाँ पर है जैवीय राज्य की संकल्पना, जैवीय राज्य की संकल्पना, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा।